रोहित ब्रिगेड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार झेलनी पड़ी है। इस हार के बाद कई भारतीय फैंस को एमएस धोनी और उनकी कप्तानी याद आ गई। फैंस ने रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना भी की। पिछले 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी को तरस रही भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारी तो क्रिकेट प्रेमियों के सब्र का बांध मानो टूट ही गया। उन्हें 4 आईसीसी खिताब जिताने वाले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। भारत ने आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में जीता था, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड को मात दी थी। भारत की हार के साथ ही पूर्व कोच मुख्य कोच रहे रवि शास्त्री का वह बयान भी वायरल हो रहा है जो उन्होंने कमेंट्री करते समय कहा था। इस पूर्व हरफन भोला ने कहा था कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है, लेकिन धोनी ने इसे काफ़ी आसान बना दिया था। धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में T20 विश्व कप के बाद 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। धोनी को इसके साथ ही टेस्ट के साल की सर्वश्रेष्ठ टीम को दिए जाने वाले तत्कालीन गदा आईसीसी मेस को उठाने का मौका भी मिला था। कई प्रशंसकों ने ट्विटर पर तीनों वैश्विक ट्रॉफी और गदे के साथ धोनी की तस्वीर साझा कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ट्विटर पर प्रशंसकों का गुस्सा विकेटकीपर श्रीकर भरत के चयन पर भी निकला। पुलकित नाम से बने एक ट्विटर अकाउंट पर भरत का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया कि खिलाड़ी ऐसा बनो कि कोई आपसे कुछ उम्मीद ही ना लगा बैठे। यह ट्विटर पर तुरंत वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके फिटनेस पर भी लोगों ने सवाल उठाए। भारतीय टीम की हार के बाद प्रशंसक कम से कम सीमित ओवरों में रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपने की सलाह देते हुए दिखे। क्रिकेट और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें